नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा। आजकल बहुत सारे व्यक्ति अपनी गलत दिनचर्या, अनियमित खान पान तथा व्यायाम न करने के कारण पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जिससे उनका पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। आज हम एक ऐसा आसन करेंगे जिसके नियमित अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र तो ठीक होता ही है, साथ ही साथ हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। आज हम करेंगे नौकासन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसे करते वक्त हमारा शरीर नौका के समान लगता है। इसे इंग्लिश में बोट पोज भी कहा जाता है। आइए करते हैं नौकासन। नौकासन को करने के लिए सबसे पहले आप मैट पर सीधे पीठ के बल लेट जाएं। अपने हाथों को अपने शरीर के नजदीक रखें। सामान्य गति से श्वास लें। अब धीरे धीरे अपने पैरों और पंजों को मिलाकर रखें। अब हम श्वास लेंगे और अपने पैरों को, गर्दन को, कमर को और हाथों को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। आइए करते हैं नौकासन। श्वास भरें, पैर गर्दन कमर को उठाएं। धीरे धीरे वापस आएं। और शवासन में आराम करें। अब बाईं करवट लें, दाएं हाथ का सहारा लें और धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। हमने श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाया और श्वास छोड़ते हुए शरीर को वापस जमीन पर ले आए। इस आसन का अभ्यास आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इस आसन के अनेक लाभ हैं। इस आसन को करने से आपकी कमर तथा कंधों का एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। यह आसन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। जिन बच्चों को अधिक नींद आती है, अगर वह इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो वह अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। यह आसन करते वक्त एक बात का आप ध्यान जरूर रखें, अगर आपकी कमर के पिछले हिस्से में कोई तकलीफ है या आपके पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। अगर आपके घुटने में भी कोई प्रॉब्लम तो भी आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए आसन को करने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।